धार जिले के राजगढ़ में अंतिम श्रावण सोमवार को कांवड़ कलश यात्रा निकाली, जिसमें महिला पुरुष भक्तों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। बालीपुर धाम गुरुजी कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हुए और विधायक प्रताप अग्रवाल एवं नगर परिषद अध्यक्ष भंवर सिंह बारोड़ ज्योत एवं कांवड़ उठाकर सबसे आगे चलते नजर आए। कांवड़ यात्रा का राजगढ़ एवं सरदारपुर में कई सामाजिक एवं धार्मिक मंचों द्वारा विभिन्न प्रमुख मार्गों एवं चौराहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। धार जिले के चढ़ावत में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां पंडित जगदीश शर्मा के मुखारविंद से श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री राम ग्रुप की तरफ से फल और दूध का वितरण किया गया। बैतूल जिले की भैरसही नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। यहाँ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मनीष सिंह सोलंकी को निर्विरोध अध्यक्ष एवं कुसुम सिंह किलेदार को निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। श्रावण मास के अंतिम सोमवार माँ पूर्णा की पावन नगरी भैंसदेही नगर में माँ पूर्णा के किनारे स्थित 13वीं सदी का सिद्धेश्वर नाथ महादेव शिव मंदिर पर हर हर महादेव की महाकाल की तरह पालकी यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कई मंचों से भव्य स्वागत किया। धार जिले के धर्मपुरी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी क्षेत्र विधायक पांचीलाल मेड़ा के नेतृत्व में श्रावण मास के 4वें सोमवार को कांवड़ यात्रा निकाली गई। सुबह धर्मपुर जागीरदार की नगरी से माई नर्मदा का कांवड़ में जल भरकर हजारों श्रद्धालु मांडव नीलकंठेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए। स्वराज सामाजिक समरसता कांवड़ यात्रा द्वारा खलघाट से 12 किलोमीटर के मार्ग में महिला पुरुष और बालक बालिकाओं श्रद्धालुओं का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और फलाहार और पेयजल की व्यवस्था की।